बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तहरी की रेसिपी। बहुत ही क्विक रेसिपी होती है, सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। जब कुछ समझ में नहीं आता, माइंड में आता है, तहरी बना लेते हैं। तो जो रेसिपी हमारे यहाँ बनती है वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल डाला है और जब गर्म हो जाएगा तो दो दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे इतना पका लेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और लहसुन अदरक की कच्ची महक भी ख़त्म हो जाए। दैन 2 टमाटर को मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। इसके बाद इसमें साबुत गर्म मसाला चल जाएगा, ज़ीरा चले जाएगी 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च चली जाएगी, लौंग चली जाएगी, दालचीनी चली जाएगी और बड़ी इलायची चली जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। 3 आलू को इस तरह से कट करके मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ता मैंने 1 मुट्ठी के करीब डाला है, सब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे तो कड़ी पत्ता हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। दैन इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें चली जाएंगी इसमें, मिक्स कर लूँगी इसे। दैन इसमें कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी, 2 टेबल स्पून हल्दी जाएगी, 1.5 टी स्पून। मुझे हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ इसमें। बस फिर इसको मिक्स कर लूँगी। नमक चले जाएगा हसबे ज़रूरत। पुदीना चले जाएगा इसमें 1 मुट्ठी के करीब। पुदीने के बगैर तो तहरी का मज़ा ही नहीं है। मिक्स कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। दैन 1/2 ग्लास पानी डालकर मैं आलू के हाफ टन होने तक इसको पका लूँगी। इतना पानी डालूँगी कि हाफ टन हो जाए। मिक्स करके इसे कवर कर दूँगी, हल्के आँच पर पकने दूँगी। चावल लिए मैंने इसके लिए 1 kg, आपको जितने भी लेना आप उतने ले लीजिएगा। कुछ अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इसको भिगो कर रख दिया है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। आलू हाफ टन हो चुके हैं, नाउ एड राइस। अच्छा, वैसे चावल में पानी थोड़ा सा आलू का भी पानी था, तो पानी आपने इतना डालना होता है जितने चावल होते हैं ना, उतना उसका डबल आपको पानी डालना होता है। या फिर एक तरीका ये भी होता है कि आपने अपने फिंगर को डिप करके देखना है उसमें, और आपके फिंगर का 1 टिप जो होता है ना वो उसमें डिप होना चाहिए पानी में, तो ये क्वान्टिटी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। कवर करके तेज़ आँच पर इसको पकने के लिए रख दूँगी पानी के ड्राई होने तक। पानी जो ना तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रह चुका है, ये दम में हो जाएगा। तो उसमें मैं इस पॉइंट पर मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, पुदीना ऐड कर दूँगी और फ्राइड प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस कवर कर दूँगी इसको, लो फ्लेम पर इसको दम दे दूँगी 15 मिनट तक। दैन इसको डिश आउट कर दूँगी। गर्मा गर्म तहरी को आप सर्व कीजिए सलाद के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, जितने भी लवाजमात हो ना, तो उसका मज़ा दोबारा ही हो जाता है। इस्लाम शोर ऐसी ये रेसिपी बहुत सारे घरों में बनती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती बनाना, जिनको नहीं पता, वो अलग तरीके से बनाते हैं, तो उनके साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का लगता है इसमें, कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। तो इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।